दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो आर्टिकल। एक है भारत बांग्लादेश से रिलेटेड है, जो कि अभी हाल में शेख हसीना भारत आई थी। तो जो भारत में मतलब कि बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध है, उसमें जो नए डायमेंशन ऐड हुए हैं और जो भारत का मतलब कि एक प्रकार से भारत के बांग्लादेश के साथ पूर्ववर्ती रिश्ते रहे हैं, तो उन्हें रिश्तों से मतलब कि हम इसके बारे में एक प्रकार से भारत की और बांग्लादेश की जो है तो रणनीतिक और जो मतलब पूरे इसके डायमेंशन है, तो उसको इस आर्टिकल में मतलब कि यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें से ये आर्टिकल जनसत्ता और ये बिजनेस स्टैंडर्ड, ये दोनों आर्टिकल जो है तो बांग्लादेश से रिलेटेड है, इनको दोनों को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट अपना आर्टिकल होगा जो कि विकास और पर्यावरण का, जो अभी मुंबई में ये जो है तो इससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो अभी हाल ही में मतलब कि इससे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, है ना, तो उसी के लिए है कि जो विकास बनाम पर्यावरण का दोनों से मतलब कि किस प्रकार से संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उससे पहले हम बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को डिस्कस करने से पहले जो है तो हम पहले तो इन दोनों की जो संबंध है और भारत के लिए बांग्लादेश की जो मतलब कोई महत्ता है, तो उससे संबंधित बात की जाए। तो भारत का मतलब कि भारत के लिए जो है तो बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उपयोगी है, है ना। जैसे कि यदि हम बात करें कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनके जो तो साझा इतिहास भी है, इनके संस्कृति है, धरोहर है, चीज़ें तो एक प्रकार से भारत का एक हिस्सा ही था, है ना। तो काफ़ी कुछ एक प्रकार से कल्चरल दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो काफ़ी कुछ इनमें मिल एक प्रकार से जुड़ाव है ना। अब यदि बात की, यदि बांग्लादेश की हम बात करते हैं, तो इसकी भौगोलिक स्थिति की यदि बात करें, तो भारत के लिए किस प्रकार से ये सहायक सिद्ध होता है, तो देखा जाए तो ये जो है तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए बांग्लादेश एक बेहतर रूट का एक प्रकार से ऑप्शन हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पास जो है तो चिकन नेक जो है तो बहुत ही एक सकरा गलियारा, तो एक प्रकार से यदि यहाँ पास जैसे कि चाइना वगैरह, चाइना के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यहाँ पास जो है तो बांग्लादेश एक बेहतर विकल्प भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से होता है ना, तो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन पर। दूसरी बात यदि की जाए कि उस पर जैसे कि ये जो है बांग्लादेश है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया से ही भारत को एक प्रकार से जोड़ने का काम करता है ना, तो ये भी एक प्रकार से भारत के नया डायमेंशन है। और नेक्स्ट यदि बात की जाए कि समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये समुद्री सुरक्षा में भी एक प्रकार से रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बांग्लादेश है ना। और वहीं जैसे कि यदि बॉर्डर में, बॉर्डर से रिलेटेड बात की जाए कि बांग्लादेश में, बांग्लादेश से जो इंसर्जेंस की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा पहले आती थी, है ना, उग्र आतंकी संगठन वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्टिव रहते थे, तो उससे उसको नियंत्रण करने के लिए भी ये जो है तो बांग्लादेश भारत के लिए एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। और वहीं जो है तो चीन को काउंटर करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गई, यहाँ पास यदि हमारे हिंद महासागर में यदि अपनी पैड बना रही, वही जैसे बंगाल खाड़ी में यहाँ पास जो है तो चीन भी अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, तो उस दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता भारत के लिए होती है, है ना। वहीं जैसे कि अपने कुछ ऐसे संगठन भी हैं, जैसे कि बिम्स्टेक को देखा जाए तो बिम्स्टेक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत की तरफ से ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। यहाँ पहले सार्क को बढ़ावा दिया जाता था, तो सार्क की इतर जो है तो बांग्लादेश के साथ साथ जो है तो ये बिम्स्टेक को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, पाकिस्तान को बाइकॉट करने के लिए सार्क को अब ज़्यादा वो उस तरह से वैल्यू नहीं दी जा रही है। अब यदि हम इकोनॉमिक दृष्टि से भी बात करें, ये तो भौगोलिक दृष्टि से बात हो गई, अब यदि हम देखते हैं कि भू आर्थिक दृष्टि से यदि बात करें, तो बांग्लादेश जो है तो इन दोनों में जो है तो ट्रेड भी काफ़ी अच्छे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संभावना है उसमें भी मतलब कि देखी जाती है ना। वहीं इन्वेस्टमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा अवसर हैं ना इन दोनों पे। वहीं यदि नेक्स्ट बात की जाए कि जैसे कि जो है तो सतत समुद्री संसाधन के प्रयोग के लिए ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जो है तो इनमें काफ़ी ज़्यादा वो इसमें दिखती है, संभावनाएं दिखती हैं ना। और यदि इन दोनों में से हम बात करते हैं कि कुछ इनके जो है तो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, तो इनमें से सकारात्मक पक्ष क्या हैं, है ना, तो यदि हम सकारात्मक पक्ष देखें इन दोनों में, तो जैसे कि यहाँ हाल ही में जैसे कि जो है तो बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना की सरकार जब से बनी, तो एक प्रकार से भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक अवसर ही है और एक बहुत ही बेहतर मित्र के तौर पे जो है तो बांग्लादेश भारत के लिए उभरा है, है ना। जैसे कि पहले बांग्लादेश में जो है तो भारत के विरुद्ध बहुत ज़्यादा ऐसे उग्र संगठन ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, जिससे कि सीमा पर बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, है ना, तो उसके लिए भी जो है तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ना। और वहाँ पास जो है तो बांग्लादेश सरकार ने काफ़ी कुछ
कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, और आतंकी जो गतिविधियाँ पहले बहुत ज़्यादा होती थी अब वो एक प्रकार से थम सी गई हैं, तो एक प्रकार से भारत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है ना। और यदि नेक्स्ट बात की जाए तो इन चीज़ों पर यदि इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है, जैसे कि भारत और बांग्लादेश में 2015 में बस्तियों का भी समझौता हुआ था, अदला बदली हुई थी है ना, जिससे जो तो उनकी जो मतलब कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है दोनों पे है ना अपने। और वहीं जैसे कि इनके व्यापार में भी देखा जाए कि उनके द्विपक्षीय व्यापार भी है तो हाल के दिनों में मतलब कि बढ़ रहे हैं है ना, रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से दोनों जो देश हैं तो मतलब कि उनके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मधुर हो रहे हैं। वहीं कई जो भारत के मतलब कई ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बांग्लादेश में चल रहे हैं है ना। और लगभग बात की जाए कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो है तो बांग्लादेश जो है तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब कि वहाँ से जो है तो लगभग भारत के जो पर्यटक आते हैं उसका लगभग 20% जो है तो बांग्लादेश से आते हैं। ये मतलब कि पर्यटक के दृष्टि से भी बात की जाए तो बांग्लादेश जो है तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ना। उसमें यदि इसमें भी देखा जाए कि मेडिकल टूरिज्म वगैरह हेल्थ टूरिज्म से रिलेटेड जो है तो बहुत ज़्यादा है ना, एजुकेशन से रिलेटेड जो है तो चिकित्सा संबंधी बहुत ज़्यादा मतलब कि भारत में आते हैं, तो ये भी जो है तो भारत के लिए एक प्रकार से एडवांटेज है ना। अब यदि हम थोड़ा सा चैलेंजेस की बात करते हैं उसके बाद हम आर्टिकल की तरफ चलेंगे है ना। ये एक प्रकार से बांग्लादेश और भारत की जो है तो प्रकार से पृष्ठभूमि की बात हो रही है, क्योंकि जो है तो विदेशी संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं है ना। तो इसको आप यदि चाहें तो इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा भारत और बांग्लादेश के संबंधों को समझने में बारीक ढंग से है ना। तो यदि हम इन पर यदि बात की जाए कि जो हाल ही के दिनों में जो है तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ समस्याएं भी हुई हैं है ना, जहां इस प्रकार से मतलब कि दोनों के संबंधों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो कुछ यहां पर चुनौतियां भी भारत और बांग्लादेश के बीच सामने आई हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा यदि पहली प्रायोरिटी की बात की जाए तो जो तीस्ता नदी जल विवाद है, तीस्ता नदी जल विवाद की बात की जाए तो तीस्ता नदी जल विवाद जो है तो ये अपने 1983 पे ये एक प्रकार से अस्थायी तौर पर ये हुआ था है ना, ये समझौता हुआ था तीस्ता नदी जल विवाद का। इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि लगभग जो तीस्ता नदी थी जो कि यहाँ पास से निकल रही थी, तीस्ता नदी जो है तो उसका जो है 25% पानी जो था तो उसको एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से प्रवाह के लिए उसको छोड़ा गया था 25%, ठीक है, तो स्वतंत्र प्रवाह के लिए था। और जो 39% था तो 39% जो था वो किसके लिए था, भारत के यूज के लिए था उस पानी का, तीस्ता नदी का है ना। और जो 36% था तो 36% जो है तो बांग्लादेश को, वहाँ पर बांग्लादेश उसका यूज कर सकता है, ठीक। तो ये जैसे कि यदि बात की जाए कि तीस्ता नदी में तो इसमें जो है तो ये बांग्लादेश के लिए जो है तो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं हो रहा है ना। वहाँ पर ऐसे प्रकार से देखा जाए कि सूखा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, वहाँ के जो रंगपुर वगैरह ज़िला है तो वहाँ पास जो है तो तीस्ता नदी के जल के अभाव कारण वहाँ जो है तो एक प्रकार से वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा उनकी खस्ता हालत है ना, सूखे की स्थिति वहाँ पास निर्मित हो रही है, तो इसीलिए जो है तो बांग्लादेश के अंदर भी जो है तो राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से जो है तो वहाँ पर समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए जो है तो बांग्लादेश जो है तो इसको इस समझौते को भी मतलब कि जल्द से जल्द कर लेना चाहता है ना, तो इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। हाँ, ये जो कि 2011 में के आसपास जो है तो इसमें कुछ मतलब कि इस संबंध में कुछ जो है तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन जो है तो वो एक प्रकार से फिर से जो है तो मुद्दा अस्थिर ही रह गया है। ये जो नए समझौते होने थे तो उसमें जो है तो कुछ अपने पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार थी उनके कुछ मतलब कि विरोध उन्होंने किया था, उसके इसलिए जो है तो वो समझौता नहीं हो पाया था। और ये जो नए समझौते के तहत बात की जाए कि समझौते में जो था कि क्या था कि जैसे कि अभी तो जो पुराने समझौते के हिसाब से जो 25% था, तो इस नए समझौते के हिसाब से जो किया गया है कि उसमें से 20% जो है पानी उसको स्वतंत्र प्रवाह के लिए छोड़ने की बात हो गई थी, ठीक। और वहीं जो है तो 42.5% जो है तो भारत के लिए पानी यूज करने की बात हो गई थी, और वहीं 37.5% जो है तो बांग्लादेश उस पानी का यूज करेगा है ना। यानी कि जो है तो इसमें से कुछ मतलब कि ज़्यादा जो है तो बांग्लादेश को पानी मतलब कि ज़्यादा मिल जाएगा, तो जो वहाँ पास की समस्याएं हैं तो उस समस्याएं जो तो उनका सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसी बातें हुई थी, ये समझौता हुआ था, लेकिन एक प्रकार से वो मामला अब भी मतलब कि पूरी तरह से नहीं हो पाया, मामला लटक गया है ना। अब पहले तो ये तीस्ता विवाद की समस्या हो गई। अब यदि नेक्स्ट चैलेंज की बात की जाए भारत और बांग्लादेश के बीच, तो नेक्स्ट समस्या ये आती है कि एनआरसी वाला मुद्दा। इसमें से जो है तो वहाँ पास जो है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बांग्लादेश एक प्रकार से सशंकित रहता था, जैसे कि भारत में एनआरसी के मतलब कि यहाँ पर जो अवैध शरणार्थियों को लेकर के भारत सरकार बहुत ज़्यादा मतलब कि तीव्रता के साथ एक्शन ले रही है, तो वहाँ पास जो है तो
मतलब कि ये बांग्लादेश सरकार जो है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गई कि जो एनआरसी से जो अवैध शरणार्थी जो हो रहे हैं तो उनको कहीं बांग्लादेश के लिए जो है तो बाहर जाने के लिए जो है तो भारत जो है तो कहीं फोर्स ना करे, है ना। तो इसलिए भी कुछ वहाँ पास जो है तो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। यदि नेक्स्ट समस्या की यदि बात की जाए कि वहाँ पास जो है तो बॉर्डर किलिंग भी की समस्याएँ बहुत ज़्यादा आती थी, है ना। जैसे कि पशु सीमा पार अवैध वगैरह ज़्यादा वहाँ पास होते थे, तो ये समस्याएँ भी एक प्रकार से जो है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पास हत्या बॉर्डर पे होती थी, तो ये भी ज़्यादा चैलेंजेस थी, है ना। हालांकि अभी जो है तो सरकार ने इसमें मतलब कि कुछ कदम उठाए भी है, तो अब जो है तो पशुओं की सीमा पार वगैरह एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कड़ाई के साथ उसमें सख्ती बरती गई है, उसको रोका गया है। अब यदि नेक्स्ट समस्या की यदि हम बात करते हैं तो ये रोहिंग्या की समस्या भी भारत के लिए जो है तो भारत अब इनके जो संबंधों को एक प्रकार से कुछ जो है तो इनको तनाव की स्थिति निर्मित करती है। जैसे रोहिंग्या विवाद जैसे यदि बात की जाए कि जो अभी जैसे कि 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी जो है तो वहाँ की म्यांमार सरकार में अत्याचार की वजह से जो है तो यहाँ पास बांग्लादेश में आ गए थे, तो बांग्लादेश में जो है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पास जो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास प्रेशर हो गया, और वहाँ पास जो है तो संसाधनों का अभाव है, लोग ज़्यादा मतलब कि ये हो गया, तो इससे जो है तो वहाँ पास आंतरिक अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो गई थी, है ना। तो इससे जो बांग्लादेश ऐसा चाह रहा था कि भारत जो है तो इसमें जो है तो बांग्लादेश की एक प्रकार से सहयोग करे, है ना, और उनको जो रोहिंग्या हैं तो उनको फिर से वहाँ पास स्थापित करने के लिए म्यांमार में हेल्प करे उसकी, है ना, एक प्रकार से समझौते कि वो तो इसमें भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, है ना। तो ये भी जो एक प्रकार से ये जो है तो ये इनके दोनों के संबंधों के लिए थोड़ा सा कुछ ये जो चुनौतियाँ भी हैं। अब हम भी बात करते हैं कि आर्टिकल में और उस पर ही बात करते हैं कि कुछ नए क्या चेंजेस जो हाल ही में आए, मतलब कि शेख हसीना आई थी तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम शुरू करते हैं जैसे कि आर्टिकल के यहाँ पास, जैसे कि यहाँ पास दोनों देशों की बात की जाए बांग्लादेश और भारत के, तो हाल ही में मतलब कि सरकारों के बीच तो काफ़ी ज़्यादा रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत भी हुए हैं, है ना। लेकिन कुछ यहाँ पास जैसे कि महत्वपूर्ण मानकों पर कमज़ोर भी हुए हैं, है। हालांकि जैसे अभी हाल ही में यहाँ पास आए थे तो शेख हसीना, तो वहाँ पास काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छे रणनीतिक कुछ समझौते भी भारत के साथ हुए हैं। उनमें से यदि महत्वपूर्ण बात की जाए तो जैसे कि बांग्लादेश की जो कोस्टल रीजन में जो राडार प्रणाली में निगरानी के लिए भारत को जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक महत्वपूर्ण समझौता इसको माना जा सकता है ना, कि जो बंगाल की खाड़ी की समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर जो है तो चीन अपनी मतलब की पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर जो है तो भारत के लिए एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये उपलब्ध कराएगा। वहीं यदि हम अन्य उपयोगी घटनाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे कि मंगला पोर्ट हो गया, चटगांव पोर्ट हो गया, है ना, तो उनके इस्तेमाल के लिए भी जो तो बांग्लादेश ने भारत को एक प्रकार से साझा प्रक्रिया के लिए एक प्रकार से दोनों को मतलब उपयोग के लिए खोला है, तो ये भी भारत के लिए जो है तो साथ ही साथ जो है तो उत्तर पूर्व के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा ये, है ना, आने वाले समय में। वहीं जैसे कि ये जो बांग्लादेश की जो पूरी भारत में यदि नेक्स्ट बात की जाए कि बहुत ज़्यादा उपयोगी ये होगा कि भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है तो बांग्लादेश जो है तो एलपीजी की सप्लाई करेगा, है ना। तो ये जो है तो बहुत ज़्यादा जैसे कि वहाँ पर जो तो तरल प्राकृतिक गैस का तो ज़्यादा मतलब कि मार्केट है ही, और वहाँ पास जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि नॉर्थ ईस्ट तो मार्केट की भूमिका निभाएगा, वो एक प्रकार से बांग्लादेश के लिए बेहतर बाज़ार मिल गया है। और वहीं जो यहाँ पास नॉर्थ ईस्ट की भी समस्या होगी कि यहाँ पास जैसे भारत के लिए ज़्यादा तो काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से लंबा रूट पड़ता है ना, तो यहाँ पास परिवहन लागत वगैरह भी ज़्यादा लगती है, और वो ऑलरेडी गैस संपन्न है तो उसके लिए मार्केट दोनों के लिए एक प्रकार से रिश्तों में एक मधुरता लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और दोनों की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे समझौते तो इसको कहा जा सकता है ना। और वहीं नौवहन समझौते को जो है तो पूर्वोत्तर भारत के साथ बेहतर संचार भी सुनिश्चित करने के लिए प्रकार से एक बेहतर दृष्टिकोण से देखा जा रहा है ना। जैसे कि यदि एशिया प्रशांत क्षेत्र के पश्चिमी किनारे में जैसे कि चीन की उपस्थिति, उससे भी निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना, और साथ ही बंगाल खाड़ी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, ये जो अभी हाल ही में समझौते हुए हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पास आर्टिकल में जो है तो वही समस्याओं को मतलब कि व्यक्त किया, जैसे कुछ तीस्ता नदी जल जो समझौता है उसमें ज़्यादा कोई खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है ना, जो कि वहाँ पास के लिए बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आसान्वित थे, है ना, तो उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। यदि हम बात करें कि यदि चिटगांव की, तो यहाँ पर जो तो चिटगांव की लोकेशन यदि बात की जाए तो यहाँ पर चिटगांव है ना। और वहीं जैसे मंगला पोर्ट की बात है तो मंगला पोर्ट ये है, तो ये जो है तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है तो नॉर्थ ईस्ट में भी कनेक्टिविटी होगी, और साथ ही साथ जो है तो ये आपस में व्यापार के लिए भी हेल्पफुल होगा, है ना।
और वहीं एक और समझौता हुआ है कि फेनी नदी से रिलेटेड है कि जो त्रिपुरा में जो है तो समस्याएं होती थी, तो जो फेनी नदी बांग्लादेश जो है तो वो तैयार हो गया है कि फेनी नदी का जल जो है तो वहाँ पास त्रिपुरा के लिए वो देगा। तो ये भी एक प्रकार से बहुत ही अच्छे इसमें कह सकते हैं कि दोनों के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ना। तो क्योंकि वहाँ पर जो त्रिपुरा का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सूखा क्षेत्र था, तो फेनी नदी से ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लोगों को वहाँ राहत मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पास बांग्लादेश के लिए जो तीस्ता का मुद्दा तो बहुत ज़्यादा मतलब कि भावनात्मक मुद्दा भी है, तो इसलिए जो है तो भारत को भी अब ज़रूरी है कि ये जो इससे संबंधित जो अड़चने हैं तो उसको निपटा करके भारत को भी इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ना। क्योंकि संबंधों में तभी ज़्यादा मतलब कि मधुरता आएगी जब दोनों एक दूसरे के हितों को समझे, है ना, तो ज़्यादा वो बेहतर होता है। और साथ ही यदि बात की जाए कि जैसे कि राज्य के लिए जो राज्य की राजनीति के चलते यदि सामरिक महत्व के मुद्दों को जो है तो लंबे समय तक के लिए नहीं टाला जा सकता, क्योंकि ये तीस्ता का मुद्दा है, तो ये भारत में इसीलिए इसको डिले किया जा रहा है क्योंकि जो है तो इसके लिए राजनीतिक वो है तो काफ़ी ज़्यादा है उसके लिए इसके अगेंस्ट में है, है ना। क्योंकि तो वहाँ पास बांग्लादेश की जो मतलब कि यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सरकार इसीलिए इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रही है क्योंकि उससे ज़्यादा किसान के हित प्रभावित होंगे, है ना। तो एक प्रकार से इसमें वोट बैंक की भी राजनीति कहीं ना कहीं आड़े आती है, तो इसलिए जो है तो इन चीज़ों पर ज़्यादा मतलब कि राष्ट्र के स्तर से देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, तब ज़्यादा मतलब कि दोनों के संबंधों में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। अब वहीं दोनों देशों की जैसे अर्थव्यवस्था है तो उनके भी बुनियादी ढांचे और साझा प्रक्रियाओं के माध्यम से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है ना। जैसे कि यदि बांग्लादेश को रेलवे रोलिंग स्टॉक का भी प्रावधान काफ़ी अच्छा विकल्प माना जा सकता है, लेकिन जो सामान्य वाहनों की भी आवाजाही को ज़्यादा मतलब कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ना। साथ ही भारत में बांग्लादेश की वस्तुओं पर से जो गैर टैरिफ रिलेटेड अवरोध थे उसको भी समाप्त किए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि गैर मतलब कि टैरिफ अवरोध की बात की जाए कि अन्य वैसे मापदंड जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी को न बढ़ाया करके बल्कि जो माल इम्पोर्ट होते हैं तो उसमें जो है तो कुछ मतलब कि उसके कुछ नकारात्मक को निकाल करके उसको ना आने देना, है ना, ये होता है। तो जैसे कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ अच्छे मानक सेट कर दिए जाएं और ना उनका एक प्रकार से प्रयोगशाला परीक्षण हो, तो उसके माध्यम से इस चीज़ को भी समाप्त करके दोनों देशों में मतलब कि व्यापार को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है ना, और उसको जो है तो दोगुना करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ना। जो कि अभी आपसी व्यापार लगभग 1,000 करोड़ डॉलर से भी कम है, तो इसको जो है तो लगभग डबल किया जा सकता है ना। वहीं जैसे कि आम जनता के बीच भी इसमें संपर्क आसान बनाए जाने की भी ज़रूरत है। वहीं विश्वसनीय विपक्ष की अनुपस्थिति में जहाँ वहाँ के नागरिक समाज तक भी मतलब कि अपनी पहुँच बढ़ाने की ज़रूरत है ना। भारत के साथ अच्छे रिश्तों को वहाँ भी ऐसी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए भी थोड़ा आगे बढ़ता तो निश्चित तौर पर मिसाल के तौर पर नदी जल या निगरानी डेटा के संयुक्त इस्तेमाल के बारे में तो निश्चित तौर पर राष्ट्रहित में ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा उचित भी होगा और दोनों के जो है तो इससे रिश्ते भी काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे ना। तो इस आर्टिकल में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये अपना आर्टिकल है विकास और पर्यावरण, जो कि अभी हाल ही में जो मुंबई में मेट्रो परियोजना की कार सेट निर्माण में जो पेड़ काटे गए थे, लगभग 2500 के आसपास पेड़ सरकार को उसके लिए क्लियरेंस भी मिल गया था, तो उसमें जो है तो वहाँ के लोगों ने उसके विरुद्ध मतलब कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध किया है ना। तो मामला जाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले में मतलब कि स्टे भी वो कर दिया है ना। तो उसी में अब यहाँ पास मुद्दा ये यहाँ पास आता है कि विकास ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्यावरण, है ना, क्योंकि ज़रूरत तो दोनों चीज़ों की है, किसी एक चीज़ की ही ज़्यादा मतलब कि यहाँ पास तो वो नहीं हो सकते, है ना। दोनों चीज़ों को एक प्रकार से संतुलन की ज़रूरत होगी। तो इसे ही मामला है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट पे मामला गया तो वहीं आर्य कॉलोनी में जैसे पेड़ काटने पर रोक लगाने का आदेश तो उसने दे दिया, लेकिन वहीं जो है तो पर्यावरण के यहाँ पास जो पीठ है उसके समक्ष ही मामले को भेज भी दिया गया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आती ही रहती हैं आए दिन की। जैसे पर्यावरण प्रेमी हैं तो या सामाजिक संगठन वो पेड़ काटने को लेकर के एक प्रकार से विरोध देखने को मिलते रहते हैं। कई बार तो इसका मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे रेल मार्ग वगैरह के निर्माण में लगभग जैसे 5-10 पेड़ को भी काटना हो तो उसमें भी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि विरोध करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पास तो कहीं ना कहीं पर्यावरण तो ठीक ही है लेकिन विकास भी अवरुद्ध होता है, है ना। और ज़रूरत यहाँ पास यह है कि विकास और पर्यावरण दोनों को एक संतुलन स्थापित करने की, क्योंकि सिर्फ पर्यावरण बस हो और विकास
पूरी तरह सुना हो तो वो भी ज़्यादा उचित नहीं होगा, है ना। तो विकास को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको भी अच्छे प्रकार से उसके भी जो है तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को ध्यान में रख करके किया करने की ज़रूरत है ना। तो वही है कि हालांकि जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड बात की है कि जलवायु परिवर्तन की जो संकट है तो ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, तो आज वैश्विक चुनौती भी बन चुकी है ना। तो जल जंगल जमीन तो इनको तो सुरक्षित रखने की ज़रूरत तो बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस मतलब कि बढ़ ही गई है, और ज़रूरत भी है कि इनको ज़्यादा संरक्षित रखे जाने की, है ना। तो लेकिन साथ ही साथ जो है तो विकास जमीन पर भी निश्चित तौर पे विकास की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है ना। क्योंकि यदि पेड़ नहीं पेड़ को भी यदि पूरी तरह से यदि बात की जाए कि वास्तव में जैसे पर्यावरण विकास की भी जो है तो संतुलन कायम करने की ज़रूरत है, और इसकी जो पूर्ति तभी होगी जब बीच का एक प्रकार से इसमें एक प्रकार से बीच का रास्ता तलाशी जाए, है ना। पहले तो हमें निश्चित तौर पर ये देखना चाहिए कि जैसे कम से कम पेड़ काटे जाएँ, है ना, और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए जितने पेड़ काटे जाए उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ एक प्रकार से लगा भी दिया जाए ताकि जो उसकी भरपाई है तो वो हो सके, है ना। तो और साथ ही साथ जो कि जैसे कि जैसे यदि हम मतलब कि जो कहीं भी पेड़ काटते हैं तो उसके लिए भी जो है तो उसका जैसे कि ज़्यादा उसका इम्पैक्ट उसका बेहतर तरीके से जो है तो पर्यावरण का जो है तो उसके क्या इम्पैक्ट उसके पड़ेंगे, कुछ उसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, तो इन चीज़ों का भी बेहतर तरीके से कोई विकास के कार्य हो तो उसका भी पहले अध्ययन करने की ज़रूरत है ना। तब जो है तो निश्चित तौर पर जो है तो पर्यावरण और विकास जो है तो इन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा प्रकार से संतुलन की स्थिति होगी। हालांकि सरकार की जो योजना है तो उसमें इस प्रकार के मतलब कि कदम उठाए भी जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो निश्चित तौर पे इन दोनों को मतलब कि संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत है। और जैसे कि बहुत सी यदि हम पर्यावरण की बात की जाए तो इससे कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि बहुत सी योजनाएं भी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी बड़ी योजनाएं होती हैं जिससे कि जो कि बहुत ही बड़े समुदाय के लिए मतलब प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है तो वो भी इसी इन्हीं पर्यावरण क्लियरेंस वगैरह के लिए जो है तो लटक जाती हैं, है ना। तो इनमें से जो है तो ये भी एक चुनौती के रूप में ही आती है ना, क्योंकि निश्चित रूप से विकास की चिंता करते समय पर्यावरण की भी चिंता करनी तो निश्चित तौर पे हमें उसकी ज़रूरत भी होगी, लेकिन केवल तभी नहीं जब किसी योजना परियोजना की राह में एक प्रकार से कुछ वृक्ष आ रहे हों तो, है ना। क्या अजीब नहीं कि जैसे पर्यावरण की तमाम चिंताओं के बीच जो है पंजाब हरियाणा में भी जैसे पराली की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो ये भी एक प्रकार से चैलेंज ही है ना। लोग जानते हैं फिर भी उसको उसमें कोई ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर रहा है, वो प्रकार उस प्रकार की समस्याएं मतलब कि एक प्रकार से बनी हैं। तो क्या पर्यावरण को जानबूझ कर के जहरीला बनाने का ये काम है ना। तो बेहतर यह है कि जो पर्यावरण के साथ जो है तो विकास की भी समान चिंता करने की ज़रूरत है ना, और जंगल बचाने और बढ़ाने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तब निश्चित तौर पे जो है तो पर्यावरण और विकास के बीच जो हम एक प्रकार से अंतर्द्वंद की बात करते हैं तो अंतर्द्वंद के बजाय दोनों के बीच में अंतर संबंध की जरूरत पता नहीं वो है। साथ ही साथ जो है तो एक प्रकार से जो है तो विकास कार्यों में इन दोनों को संतुलन स्थापित करने की जरूरत है ना, तब जो है तो पर्यावरण और विकास दोनों एक प्रकार से चल पाएंगे ना। तो बस आज के लिए इतने तो बस इस आर्टिकल को साफ होता है, वहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।